भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा, क्या बोला तूने? रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार प्रसार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में प्रधानमंत्री मोदी रैली के दौरान बड़ा वाला ब्लंडर कर जाते हैं, जिसके कारण विपक्ष इन पर जोरदार हमलावर है और उसका वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण के दौरान रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा अब हर कोई कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रानी दुर्गावती नाम से कोई स्टेशन है ही नहीं। TV9 भारतवर्ष के न्यूज पोर्टल के अनुसार जबलपुर स्टेशन का नाम बदलकर रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। पीयूष बबेले नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि शिवराज जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से झूठ बुलवा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ हो रही है, सच्चाई यह है कि भोपाल में इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है। मामा को जब से मोदी जी से फेसलेस किया है, तब से मामा बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वही नितेश शुक्ला नाम के यूजर ने कहा कि वाह मोदी जी वाह, कहीं वहां पर तो भी आपका व्यवसाय नहीं रहा है। ऋषि जैन नाम के यूजर ने कहा कि इन्हें स्टेशन के नाम तो याद नहीं रहते, तारीफ याद रहती है, गहन टोपीबाज आदमी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए INC TV ने लिखा कि मोदी जी का झूठ, भोपाल में जिस रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र इन्होंने अपने रैली में, असल में ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन भोपाल में नहीं है और ना अभी तक रानी दुर्गावती नाम का रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के नक्शे पर है। वह इस वीडियो को शेयर करते हुए वेद प्रकाश जी ने कहा कि महा झूठ मोदी, झूठ बोलकर मनमानी न फेंके, तब तक मोदी जी को चैन कहाँ मिलता है। दुर्भाग्य से आज देश की सत्ता पर ऐसा PM बैठा है जो अनाप शनाप मनमानी हवाई बातें फेंकता रहता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।